तुरई या फिर गिलकी एक ऐसी सब्जी है जिसको काफी सारे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुरई बनाने का इतना मजेदार नया और एकदम अनोखा सा तरीका, जिसको देखकर आप इसे एक बार तो जरूर बनाएंगे। और जिन लोगों को भी तुरई खाना पसंद नहीं होता है उनकी तो ये फेवरेट सब्जी बन जाएगी। जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए ये गिलकी या फिर तुरई, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हो, ये ले लेना है। आप किसी भी प्रकार की तुरई ले सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स की आती हैं, तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आप किसी भी तरीके की ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि नरम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और बीज भी उसमें बहुत ही कम होने चाहिए। चलिए इनको छील लिया है मैंने, देख सकते हैं, और किनारे भी काट लिए हैं। लेकिन तुरई को काटना कैसे इस सब्जी को बनाने के लिए, तो देख सकते हैं मैं इनको 2 से 3 इंच की लंबाई में इस तरीके से काटूंगी। अगर आपके पास जो तुरई है वो थोड़ी सी मोटी है तो आप उनको बीच से एक बार कट लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं काटने हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें तुरई को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में ही लेना है। चलिए बनाएंगे एक बहुत ही चटपटा सा मसाला। तो इसमें एक लिया है मिक्सी का जार, और इसमें डालेंगे लगभग 4 लहसुन की कलियाँ, 1 से 1.5 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, और अदरक के टुकड़े को मैंने छील कर लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन के बजाय सिर्फ अदरक ही डालें। अब लिया है मैंने मूँगफली के दाने लगभग 2 बड़े चम्मच। तो मूंगफली के दाने अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर तिल यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद तिल, या फिर आप थोड़ी सी काजू भी ले सकते हैं। अब डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च के दाने, और यहाँ देखिए मैंने लिए हैं 2 लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून के आसपास इमली, और इसको मैंने पानी में थोड़ी देर भीगने रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए। इनको पानी के साथ ही हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, और चलिए अब हम इनको पीस लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक और स्मूथ टेक्सचर वाला पेस्ट हमें तैयार करना है। तो चलिए पीस लेते हैं इनको। तो ये देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको पीसने में लगभग 1 टेबलस्पून पानी और ऐड किया था, और ये जो पेस्ट है इसे हम इस्तेमाल करेंगे तुरई को मैरिनेट करने में। तो यहाँ पर जो हमने बड़े बड़े पीसेस में तुरई ली हुई है काट करके, इसके अंदर यानी इसके ऊपर हम ये सारा मसाला डाल देंगे, देखिए। और इसके साथ ही हम थोड़े से इसमें फ्लेवर के लिए और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी नमक। नमक डालने से जो तुरई है उसमें से काफ़ी सारा पानी निकलेगा और ये जो हमारा तुरई है वो अच्छी तरीके से मेरीनेट होगा। आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी। मसालों में कसूरी मेथी जब फूल कर तैयार होती है ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो लगभग 1 टेबलस्पून डाल दी है मैंने, और अब डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप कोई से भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं डेली वो ले सकते हैं। तो आधी छोटी चम्मच डाल दिया है। चलिए आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे मसालों में, यानी जो मसाले हमने डाले हैं, जो पेस्ट डाला है, वो अच्छी तरीके से तुरई के ऊपर कोट हो जाना चाहिए। तो चलिए इनको हाथों से अच्छे से मिला लीजिए, ये देखिए। और मिलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। आप देखेंगे 10 मिनट के बाद इसमें से काफ़ी सारा पानी निकल गया है और ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएंगे। ऐसा करने से तुरई अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए इसको 10 मिनट हम साइड में रख लेते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देख सकते हैं 10-15 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ देखिए कितना सारा पानी निकल गया है। साथ ही जो तुरई है वो ना थोड़ी सी नरम भी हो गई है, देखिए इस तरीके से हो गई है। तो ये बिल्कुल तैयार है। इसका जो टेस्ट होगा ना गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी मज़ेदार बनती है, ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब हम इन्हें कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर रखा है एक पैन, आप चाहें तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच ज़ीरा। जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, पतले पतले स्लाइस में काट कर लिया है। आप चाहें तो बारीक काट करके भी ले सकते हैं, या फिर पेस्ट बना करके भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे, और इन्हें हमें अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक भूनना होगा। तो लगातार चलाते रहें और अच्छी तरीके से भून लीजिए। मैंने यहाँ पर बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको प्याज भुनने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है तो आप 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ लीजिए प्याज हमारा बढ़िया से सुनहरा हो गया है, एकदम गोल्डन हो गया है, देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने प्यूरी के फॉर्म में लिया है टमाटर, 1 बड़े साइज़ का था, और इसको मैंने पीस कर तैयार किया है। आप चाहें तो छोटे पीसेज में काट कर या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। वैसे इस रेसिपी में टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको टमाटर का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं।
अब डालेंगे थोड़े से मसाले ताकि टमाटर के साथ ही पक जाएं। तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली है, ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। इस रेसिपी में हमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। आधी छोटी चम्मच हल्दी डाला है मैंने और आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला डाला है बस। अब हमें और कोई जीरा पाउडर धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और हल्का सा चीनी, लगभग चौथाई छोटी चम्मच के आसपास। देखिए हरी सब्जियों में हल्का सा चीनी डाल देंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। इतनी चीनी से ये बहुत मीठा नहीं होगा लेकिन टेस्ट इन्हांस हो जाता है और सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो एकदम बैलेंस हो जाता है। तो बढ़िया से इनको मिला लीजिए और एक मिनट पका लेंगे ताकि मसाले हमारे टमाटर की प्यूरी के साथ बढ़िया से कुक हो जाएं। जैसे ये बढ़िया से कुक हो जाएंगे हम डाल देंगे इसमें मेरीनेट किया हुआ ये तुरई। तो सारे मसालों के साथ यानी पूरे पेस्ट के साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसमें हमें कुछ भी अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से मिला लीजिए ये देखिए। और गैस का फ्लेम एकदम कम कर लेंगे क्योंकि अभी हम इसमें पानी वगैरह भी नहीं डालेंगे क्योंकि तुरई काफ़ी सारा पानी छोड़ती है, इसलिए हमें इसको धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाना होगा। अगर आपको लगे कि तुरई से पानी नहीं निकल रहा है या फिर ये गीले नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें 2-4 चम्मच पानी डाल सकते हैं और इनको बढ़िया से कुक कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से मिला लिया मैंने, ढक्कन लगा देते हैं और 5 मिनट हम इनको धीमी आँच पर छोड़ देंगे ताकि ये बढ़िया से कुक हो जाएँ और नरम भी हो जाएँ। 5 से 6 मिनट हो चुका है, आइए चेक करते हैं। देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से उबल रही है और तुरई से काफ़ी सारा पानी भी निकल गया है, हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा, हमें इसका जो ग्रेवी है वो बहुत पानी पानी जैसा नहीं करना है। अच्छी तरीके से मिला लीजिए और देखिए तुरई भी काफ़ी नरम हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से, तो नमक बिल्कुल ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसे मैरिनेट करते समय भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसको मिला लेंगे और थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाकर हम नमक भी अच्छे से मिला लेंगे ताकि नमक अच्छी तरीके से हमारी तुरई में बढ़िया से मिल जाए। और इसे हम 1 मिनट के लिए हल्का सा उबाल लेंगे क्योंकि सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। नमक डालना मैं भूल गई थी और इसे मैं सबसे लास्ट में डाल दिया है, आप पहले भी डालकर पका सकते थे। तो चलिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। चलिए अब हम इनको सर्व करते हैं और ये देखिए तुरई का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया है। अंदर से भी जो तुरई है ना वो बहुत ही फ्लेवरफुल बने हैं। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इस तुरई की सब्ज़ी को रोटी पराठे चावल नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं, लंच में डिनर में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। हरे धनिया के पत्तों से या फिर कसूरी मेथी से आप इसे गार्निश कीजिए और लीजिए, एकदम बढ़िया तैयार हो गया है। कैसी लगी रेसिपी हमें ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। तुरई की और भी नए नए तरीकों की सब्ज़ी अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। एक स्पेशल बात जो मैं इस रेसिपी के लिए आपको बताऊंगी, तो यहाँ पर जो हमने पीनट इस्तेमाल किया था ना यानी मूंगफली के दाने, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको भून कर लीजिएगा जिससे कि आपकी सब्ज़ी में कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा, या फिर अगर आप कच्चा ही ले रहे हैं तो आपको सब्ज़ी का जो मसाला है वो अच्छी तरीके से पकाना होगा। तो लीजिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, ज़रूर से एक बार बनाइए और फीडबैक में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।